नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और बहुत बहुत अच्छे होगे। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम है और सारा मैंने मॉर्निंग का जो भी काम होता है ना, सारा मैंने कर लिया है। और बस उसके बाद मैं ना सुबह 4 बजे उठी थी और सारा काम वगैरह, अब गर्मियों का दिन आ गया ना, तो सुबह का सारा काम वगैरह करके और बस नाश्ता वास्ता मैंने बना लिया था हल्का फुल्का। उसके बाद मैं अभी लंच बनाऊंगी और लंच में मैंने सोचा है कुछ स्पेशल टाइप का बनाने के लिए। मतलब रोज़ रोटी सब्जी खा के कभी कभी बोर हो जाते हैं ना दोस्तों, इसीलिए तो कुछ कभी कभी अलग ट्राई करते रहना चाहिए। तो आज मैं थोड़ा सा अलग ट्राई करने वाली हूँ, तो देखते हैं। और उसके बाद ना दोस्तों, एक और भी बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो मायके में बहुत बड़ा खुशखबरी मतलब जल्दी ही आने वाला है, तो आप लोगों को मतलब पता चल ही जाएगा। तो इसलिए तो बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो खुशखबरी की बात यही है दोस्तों कि मेरी भाई और भाभी का 25 एनिवर्सरी जल्दी ही आने वाला है। तो बस वो लोग ना पूरा अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे, तो बहुत बड़ी खुशखबरी ही है हम लोगों के लिए। तो बस मायके में खुशखबरी है तो हम लोगों के लिए भी तो खुशखबरी है। और बहुत मेहनत करनी तो पड़ेगी क्योंकि मतलब कि सब कुछ करना पड़ेगा, हम लोग भी हैं तो करना तो पड़ेगा ही ना। तो मतलब जैसे कि उसमें मेहंदी फंक्शन होता है, संगीत होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, सब कुछ तो करना ही होगा। तो वो तो सब हम ही लोग, जो परिवार वाले रहते हैं वो सभी करते हैं मिलजुल के। तो बस हम लोग ही मतलब कि, और अच्छे अच्छे आप लोगों को वीडियो भी मिलेगा तो एनिवर्सरी का, और पूरे अच्छे से कर रहे हैं। तो बस भतीजा भतीजी सब बाहर रहते हैं दोस्तों, तो सब लोग आए हुए हैं और सब एकजुट होंगे पूरे परिवार। तो ऐसे में पूरा परिवार एकजुट होता है ना तो अलग ही रौनक लग जाता है घर में। तो बस यही सब बात है और बहुत ज़्यादा ही खुशी मिल रही है कि भाई और भाभी का एनिवर्सरी आने वाला है, मतलब आने वाला है, अभी आया नहीं है। तो बस जल्द ही आपको वीडियो मिलेगा। और बस मैं चली अभी पहले, सबसे पहले बनाने के लिए कुछ नया। तो ये देखिए चावल था, तो चावल मैंने फूलने डाला था और वो अच्छे से सोप हो गया, फूल गया। तो इसे मैं धो के 2-3 पानी ले आई हूँ, मतलब इसका जो सादा सादा पानी होता है ना वो निकाल दिया। देखिए एकदम सफ़ेद पानी नहीं है, तो ये सब ना खराबी करता है शरीर में, इसीलिए उसे अच्छे से धो लेना चाहिए। और अदरक है, हरी मिर्च है और ये थोड़ा सा चना भी है, तो सब मिला के इसे पीसूंगी मैं अभी। और इसका एक मतलब पेस्ट बनाऊंगी, अदरक लहसुन, लहसुन मैंने नहीं डाला था, लहसुन ख़त्म हो गया था शायद। लहसुन भी आप डाल सकते हैं इसमें, थोड़ा मोड़ा डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ मैं बादाम और चना मतलब बादाम वाला चटनी भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मिक्सी भी निकल गई है, सारी तैयारी हो गई है। तो ये देखिए पीस के कुछ इस तरह से हो गया है। और चना थोड़ा सा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वो आपका मन है। तो बस ये पीस गया है दोस्तों, और इतना अच्छा क्वांटिटी भी में मतलब ऐसे ही रहना चाहिए जैसे मैंने पीसा है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, तो एकदम ठीक ठाक है। और इसे मैं मिला ले रही हूँ अच्छे से इसमें। तो देखिए दोस्तों, आज अच्छा धूप है तो मैंने ना कंबल वगैरह बाहर निकाल लिया था थोड़ा धूप में, और अब तो गर्मी मतलब करने लगा तो इसका कोई यूज़ होता नहीं है, इसलिए धूप में डाल दिया है। बच्चों को सूखेगा और फिर उसके बाद रख दिया जाएगा। इसका फूल वगैरह ना हम लोग मतलब कि कल ही फिंच गए थे, एक दिन पहले ही फिंच आ गया है। तो बस कंबल है, रजाई है, कंबल है, रजाई है, चादर वगैरह है, जो भी ओढ़ने वगैरह वाला है सब, ये देखिए ये भी। तो इधर कंबल है, इधर रजाई है, और आज बहुत ज़्यादा ही कड़ा धूप था तो इसीलिए ये सब ना डाल दिया है धूप में। लेकिन आजकल मतलब बारिश का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, तो इसीलिए आज डाल दिया धूप में, फिर रखा जाएगा अंदर। और सारे गर्म कपड़े भी रखा देंगे, अभी गर्म कपड़े भी नहीं रखा है ना, इधर उधर सारा धो मैंने धो तो दिया है, लेकिन मतलब कि रखा है नहीं अभी कुछ भी। ये देखिए कम्बल तो सब एक साथ ही रखा जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही ओढ़ने वाला है, ज़्यादा नहीं है। और बहुत ज़्यादा धूप कर रहा है, अभी से इतना धूप करेगा तो फिर उसके बाद मतलब कि गर्मी में, पूरी गर्मी में पूरा हालत ख़राब हो जाएगा लगता है। इस बार बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि धूप के अनुसार लग रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप में 1 मिनट भी रह नहीं पाऊँगी। बच्चे लोग को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो लोग स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं। आ गई हूँ घर में, थोड़ी देर रिलैक्स करती हूँ।
मैं गई थी रजाई को पलटने के लिए, लेकिन बिना पलटे ही आ गई इतना ज़्यादा धूप था, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही पलट दिया था इसीलिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, थोड़ी सांस ले लेते हैं, थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। अभी मतलब नाश्ता पानी हो गया है, और उस नाश्ता पानी हो गया मैं लंच वगैरह बना रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मतलब कि थोड़ा सा अपना कंबल को पलट वलट के आ जाते हैं। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरा छिलका बन रहा है और मैंने कंबल वगैरह डाला था, तो कंबल वगैरह ना दोस्तों मैं रख दी हूँ अभी, और ये थोड़ा सा पहले का वीडियो है, तो मेरा तबीयत ख़राब था ना, तो वीडियो मतलब पहले का बना हुआ रहा था लेकिन एडिट वगैरह नहीं था, तो मैंने सोचा चलो एडिट करके इसे डाल देते हैं, और वीडियो तो पहले का ही है। तो कंबल वगैरह स्वेटर वगैरह सारा कुछ रख दिया है, लेकिन अभी मतलब कि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया है, लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा लेट ही से, क्योंकि यहाँ कभी बारिश कभी ये, तो मौसम बदल जा रहा था, तो ठंड भी लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट ही से हम लोग रखे थे। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत पहले का वीडियो है और आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं, तो कुछ ही दिन पहले ही रखा है, जैसे कि हो गया होगा फिर भी कुछ दिन, तो मतलब कि हमारे धूप नहीं हो रहा था, तो धूप में डाल नहीं रहे थे क्योंकि बारिश हो जा रहा था बार बार, और अब लगातार एकदम धूप हो रहा है, बारिश कभी कभी बदरी तो कर ही रहा है, मौसम का भी कोई अभी भी कभी बारिश हो जा रहा है, कभी बारिश कभी धूप इस टाइप का, तो अभी फ़िलहाल अभी धूप हो रहा है, तो इसलिए मतलब कि और गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, और धूप हो रहा है, बदरी भी हो जा रहा है, तो इसलिए आज धूप हुआ था तो रख दिया था, मतलब कि कंबल वगैरह को धूप बिना लगाए तो रख नहीं सकते, इसीलिए। तो आप लोग सोचिएगा कि कितना पहले का वीडियो है, स्वेटर वगैरह सब हम लोग रख दिए अभी, क्योंकि और अभी मेरा तबीयत ख़राब था ना, इसलिए नया वीडियो मैं उतना बना नहीं रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जो वीडियो है वही डाल देते हैं एडिट वगैरह करके। और मायके में जो खुशी की बात है ना, वो अभी ही आने वाली है, ज़्यादा मतलब ये नहीं कि पहले का बात है, अभी आने वाली है, तो अभी वीडियो मैंने बनाया नहीं, अभी बनेगा वीडियो। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म छिलका बना रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे चावल का जो मतलब घोल था ना, उससे मैं गर्मा गर्म छिलका बना रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये तो मैं पहले भी बनाई हूँ, ट्राई की मतलब वीडियो भी बनाई हूँ, और आप लोग भी ट्राई करिएगा ज़रूर, अच्छा लगता है बहुत खाने में, और रोटी सब्जी से तो बहुत ज़्यादा ही बेहतर लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बेटी को भी पसंद है। ऐसे अगर कुछ मतलब कि मन नहीं करा, अगर सब्जी वब्जी अच्छा नहीं है, तो ये बना के आप खा सकते हैं, बिना सब्जी के भी बहुत लगता है, चटनी वगैरह से बहुत टेस्टी लगता है ये, और ऐसे भी आप खा सकते हो ये अचार वगैरह के साथ भी, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को, इसलिए हम लोग कभी कभी बनाते रहते हैं, जैसे ज़्यादा तो नहीं बनाते लेकिन कभी कभी, जैसे मतलब ये हो गया 2-4 महीना पे एक बार तो बन ही जाता है, बहुत अच्छा लगता है इसीलिए, और कुरकुरा कुरकुरा रहता है, और एक दो खा लो ना तो बहुत ज़्यादा पेट भी भर जाता है, और एकदम मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है, बहुत टेस्टी लगता है, तो आप लोग ज़रूर बना के। तो यहाँ पे ना दोस्तों मैं बनाते जा रही हूँ और देते जा रही हूँ खाने के लिए, ये देखिए, और बच्चे लोग उतना नहीं, मेरी बेटी खाती है लेकिन मैं बेटा को पसंद नहीं आता, उसके लिए मैं रोटी वगैरह बना लेती हूँ, और यहाँ पे ये देखिए एकदम गर्मा गर्म, और एकदम गर्म गर्म मज़ा आता है, ठंडा भी खा सकते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन गर्म गर्म ही मैं बना रही हूँ और खा रही हूँ। और यहाँ पे ना दोस्तों मेरा आवाज़ अभी ठीक नहीं हुआ है, मतलब गला बैठा ही हुआ है, अभी तबीयत पूरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन हल्का फुल्का आवाज़ अभी पहले से बेहतर है, तो मैंने सोचा कि चलो चलो अपना मतलब कि अपना काम मैं नहीं छोड़ती दोस्तों, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अब जब नहीं कर सकते तब तो मतलब छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन अभी सब सही है, तो फिर मैंने सोचा क्यों किस लिए छोड़े, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ, अपना वीडियो वगैरह करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं कर रही हूँ।
तो इसलिए मैं ये अपना जो वीडियो तो बना हुआ है, जब मैं ठीक थी उसी टाइम का वीडियो, आप चेहरा भी देख रहे हैं इस टाइम ठीक ठाक लग रहा है, और बाद में चेहरा भी डाउन हो गया है अभी, और मतलब शक्ल भी अजीब सा हो गया है, लेकिन अब चलो कुछ क्या कर सकते हैं, फिर बाद में ठीक ही हो जाएगा। शरीर है, कभी मतलब उतार चढ़ाव सब ज़िंदगी में होते रहती है दोस्तों, तो ये भी शरीर है, कभी उतार चढ़ाव होते रहती है, क्योंकि तबीयत ख़राब तो अपने हाथ में नहीं न रहता कि कभी ठीक हो जाओ कभी ख़राब हो जाओ, और मौसम ही ऐसा कर रहा है गर्म ठंडा, इसलिए तबीयत सबका ख़राब हो रहा है, सबके घर घर में ना कोई एक बीमार ज़रूर मिल जाएगा अभी, और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, कभी बारिश हो जा रही है, तो मतलब क्या कह सकते हैं। और आप लोग ने अगर बना के कभी खाया होगा ना ये चीला, तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और मैं चना दाल भी इसमें डाल सकते हैं, चना भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट ना एकदम ज़्यादा ही कुछ अच्छा हो जाता है, इसीलिए मैं इसमें वो सब डालती हूँ। और फिर क्या कहते हैं, इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च वगैरह सब कुछ डालते हैं, और ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है, और बना ले रही हूँ मैं इकट्ठे, और उसके बाद हम लोग अब प्लेट लगाएंगे, हम मैं खाऊंगी मेरी बेटी खाएगी, तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों, एकदम गर्मा गर्म। और ये मेरी स्पेशल वाली चटनी है, तो इसके साथ मैंने धनिया पत्ता की चटनी बनाई है, और ये बादाम वाली की चटनी बनाई है, तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों। और चटनी वगैरह नहीं मैंने डाला, क्योंकि पहले तो मैं बहुत बार बनाई हूँ तो डाली ही थी रेसिपी, इसलिए नहीं डाला। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, और कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए दिन के साथ की शुरुआत के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे दोस्तों। और यहाँ आ जाइए, थाली लग गया है, और इसके साथ मैंने सैलेड भी ले लिया है, सैलेड तो मतलब कोई चीज़ के भी साथ चलता है, और ये हरी चटनी है, और ये वाला ये देखिए, और ये हरी चटनी में ना मैंने थोड़ा सा पुदीना भी मिलाया था और इमली मिलाया था, इसलिए थोड़ा सा ऐसा कलर लग रहा है, और बहुत चटनी टेस्टी थी। और बस इसके बाद हम लोग मिट्टू के साथ खेल रहे हैं, ये देखिए मिट्टू यहाँ पे है, मैं और मेरे फिर हल्ला शुरू हो गया। मिट्टू मिट्टू इधर देखो, मिट्टू कौन से मिट्टू, कटोरे कटोरे बोलो, कटोरे 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 क्या हुआ, शर्मा गया मिट्टू, शर्मा गया।